हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको ब्रह्मांड के सबसे आसान शब्दों में समझाऊंगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग क्या है और कैसे कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक टाइम ऐसा था जब वर्ल्ड पर जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे के सारे महाद्वीप एक जगह पर इकट्ठे थे, और इकट्ठे होने के कारण से उसे एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था जिसका नाम पैंजिया था। पैंजिया टाइम के साथ साथ अपने स्थान से डिस्प्लेस हुआ, मतलब कई भागों में टूटा और टूट करके एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता गया। और यही जो पैंजिया का टूटना और टूट करके बिखरना है, इसी को ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छी तरीके से वेगनर ने एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरा जो हमारा वर्ल्ड है ये कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, मतलब जब सुपर कॉन्टिनेंट टूटा तो उसका जो एक टुकड़ा था उसको एक प्लेट कहा गया और ये प्लेट्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई। अब ये जो थ्योरी है ये स्टार्ट होती है 225 मिलियन ईयर्स एगो। 225 मिलियन ईयर्स एगो सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो अपनी जगह पर यूनाइटेड थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इन कॉन्टिनेंट इस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट या सुपर कॉन्टिनेंट को कहा जाता था पैंजिया, और इसके चारों तरफ फैला हुआ था पानी जिसको बोला जाता था पैंथलासा। तो पैंजिया और पैंथलासा ही लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो थे। अब धीरे धीरे समय के साथ में क्या हुआ कि इनका मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो पेंजिया था जब ये टूटा पहली बार, तो टूट करके इसका नॉर्थवार्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उत्तर की तरफ भागा पेंजिया। कहा यह जाता है कि पृथ्वी के अंदर एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल जो है या मैग्मा तैर रहा है, और उस मैग्मा के कारण से वॉल्केनो निकलते हैं। उन वॉल्केनोज ने इसको कई जगहों से तोड़ दिया। उसके साथ साथ जो अर्थ का रोटेशन है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, जिससे ये प्लेट्स जो होती हैं वो मूव होती हैं। तो मैग्मेटिक मटेरियल्स के कारण से और अर्थ के मूवमेंट के कारण से ये जो था ये एक्चुअली नॉर्थ की तरफ टूटा, मतलब टूट करके इसका नदन पार्ट भागा और नॉर्थ की तरफ। तो जब ये टूट करके अलग हुआ तो इसका नाम पड़ा लॉरेशिया, मतलब जो नदन पार्ट टूट करके अलग हुआ उसका पार्ट नाम पड़ा लॉरेशिया, या अंगारा लैंड भी कभी कभी कहा जाता है इसे। और जो सदर्न पार्ट था जो कम मूव हुआ उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, या लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, दो पार्ट में टूट करके अलग हो गया लगभग 150 मिलियन ईयर्स एगो। और इसके बीच में जो ये पैंथलासा था, वाटर बॉडी जो ये थी, इसका पानी आकर के भर गया और ये जो बीच वाली जगह थी इसे बोला गया टेथिस सी। तो प्यारे दोस्तों, ये वही टेथिस सी है जहां पर आज हिमालय का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। हालांकि वेगनर महोदय ने जो फोर्सेस बताए थे वो कुछ दूसरे थे, लेकिन उनके फोर्सेस को गलत कहा गया है। वेगनर ने कहा था इक्वेटर वार्ड मूव होने के लिए जो फोर्स ऑफ बायंसी था वो रिस्पॉन्सिबल था, हालांकि ऐसा नहीं था। वेगनर की बातों को हम डिस्कस करेंगे कहीं कभी और। आज हमारा पूरा ध्येय है कि आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझ में आए। तो अब ये नॉर्थवार्ड मूवमेंट हो गया और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया। फिर उसके बाद लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि लगभग 50 मिलियन ईयर्स और बाद जा करके वेस्टवार्ड मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स स्टार्ट हो गया। ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड या लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का वेस्टवार्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो वेस्टवार्ड मूवमेंट होने के कारण से नॉर्थ अमेरिका टूट करके अलग हो गया, किससे? लॉरेशिया से। और वैसे ही साउथ अमेरिका टूट करके अलग हो गया गोंडवाना लैंड से। खाली यही नहीं, गोंडवाना लैंड से अफ्रीका बना, इंडिया बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना, मेडागास्कर बना, ये सारे रीजन्स बने। और कहा जाता है कि अफ्रीका अभी तक अपनी जगह से सबसे कम मूव हुआ पार्ट है, मतलब कि ये सारे लगभग सदर्न हेमिस्फीयर में थे और वहीं पर
जो है वो लगभग ये रह गए हैं आसपास, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। जो नॉर्थवार्ड मास है उसका मूवमेंट ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्थवार्ड मूवमेंट हुआ जब वेस्टवार्ड मूवमेंट शुरू हुआ तो वो रुक गया, नॉर्थवार्ड मूवमेंट भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ वेस्टवार्ड मूवमेंट भी हो रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अभी जो अटलांटिक ओशन है वो कंटिन्यूअसली फैल रहा है, लेकिन जो पैसिफिक ओशन है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है प्लेट टेक्टोनिक से, जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो मैग्मेटिक मटेरियल है जब वो नीचे से इरप्ट होता है तो मैग्मेटिक मटेरियल के इरप्शन से प्लेट्स अलग होती हैं, और वो प्लेट्स जो होती हैं जब एक दूसरे से दूर भागती हैं तो सतह का फैलाव होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मैं आपको बताऊंगा। तो सतह का फैलाव होता है और जहां पर प्लेट्स टकरा जाती हैं जाकर के कहीं दूसरी तरफ, वहां पर सतह क्या होती है, सिकुड़ती है, क्योंकि प्लेट्स टकराने के बाद प्लेट्स टूटती हैं। मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहां लॉरेशिया से जब वेस्टवार्ड मूवमेंट हुआ तो उसके कारण से नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ, साउथ अमेरिका अलग हुआ, और इधर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो आज का शेप था वो शेप एक्वायर हो गया। मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारे लैंड मासेस बन गए, साथ में बहुत सारे आइलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है ना, इधर मेडागास्कर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, यहाँ पर आपका फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया, ये सारे हैं। तो आज का शेप ऐसे धीरे धीरे आया। तो ये जो प्लेट्स टूट करके अपनी जगह से पेंजिया से डिस्प्लेस हो करके आज के मॉडर्न शेप में आई, इसी ड्रिफ्टिंग को, इसी विस्थापन को महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और ये इमेज मैंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से उठाई है, तो पूरा का पूरा श्रेय इनको जाता है। थैंक यू वेरी मच।